यह दोस्तों माँ बम्बई माता का मंदिर सोमनाथ के रास्ते में पड़ता है तिल्दा से आने पे, और अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। यह मंदिर बम्बई माता का, और इसके लिए ब्लॉग का भी फिर से बनाऊंगा। अभी सोमनाथ का इसमें चलने दो, अभी शुरू से लास्ट तक, और इसके लिए ब्लॉग का भी फिर से आएगा। दोस्तों आज मैं आपको ले जा रहा हूँ सोमनाथ धाम, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और नदियों का संगम भी वहाँ। हम लोग यहाँ तिल्दा से आ रहे हैं सीधा सीधा भी, और सोमनाथ के लिए एक बाईपास रास्ता जाता है और एक सीधा रास्ता जाता है। तो हम लोग पहुँच मार्ग है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा है सोमनाथ पहुँच मार्ग। तो हम लोग पहुँच मार्ग से जा रहे हैं। मेन रास्ता जो है इस तरफ से भी है, और इस साइड से जो रास्ता है हम लोग अभी पहली बार जा रहे हैं। पहुंच मार्ग है, देखते हैं कैसा है, मैं दिखाऊंगा रास्ते में लगातार। और ये मेरा छोटा भाई है। दोस्तों ये जो पेड़ पाड़ आप देख रहे हैं सामने में, ये सब यहाँ पे, ये जब नदी चलता है, सामने में नदी है आगे में, और ये जब चलता है तो पूरा यहाँ पे पूरा पानी से लबालब भर जाता है, और ये पेड़ के आसपास जो है ऊपर में नाव चलती है। ये भी हम लोग यहाँ नीचे है, काफ़ी नीचे है, उसमें फूल से भी ऐसे चढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पूरा भी पानी से भर जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सॉरी, हेलो दोस्तों। और यार आज हम लोग आए हैं, बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट करना हुआ, और बीच बीच में मैं आपको दिखाते आ रहा था, वीडियो शूट करने का टाइम ही उतना वो सिचुएशन ही नहीं बना। और दोस्तों अभी हम लोग ये न्यू ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और न्यू ब्लॉग है ये सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है और चर्चित भी है नदियों के कारण, और काफ़ी सारा इसमें अभी पहले आया था, बहुत पहले आया था, लगभग 3-4 साल पहले, तो उस समय जो है इतना ज़्यादा अभी विकसित नहीं था लगभग। यहाँ तो सब अभी पर्यटन स्थल ही बन गया पूरा, अभी ये गार्डन वार्डन कई बहुत सारा भी मैं दिखाऊंगा लगातार ब्लॉग में, बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये मेरा छोटा भाई है, एतिया भाई छोटू, ये मेरा छोटा भाई है, ये आपको ब्लॉग मतलब बताएगा कुछ कुछ, क्योंकि ये तिल्दा में रहता है दोस्तों, मैं रायपुर में, और ये लगभग तिल्दा से सोमनाथ की दूरी 15 किलोमीटर है, तो घूमते फिरते आना जाना लगा रहता है इसका, तो ये पूरा बताएगा अभी सारे चीज़ के बारे में, है ना। और चलिए फिर चलते हैं और ब्लॉग शूट करते हैं। ले भाई छोटू। अरे दोस्तों, ये मंदिर में हम लोग आते रहते हैं हमेशा, ये देख सकते हो आप लोग मंदिर को, वो वाली मंदिर है ना, वो वाली, वो बहुत पुरानी मंदिर है, पुरानी, यहाँ पंडा अंडे लोग ना हमेशा बैठे रहते हैं। चारों तरफ से मंदिर है पूरा, बता।
चारों तरफ से मंदिर है, देखो देख सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे एक बाबा का पुतला बना हुआ है, देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को भी। देखो ये है, ये वाली मंदिर है, ये वाली। दिखाते हैं आपको ये वाला पुतला जो बोल रहा था मैं। गाड़ी चाबी उसी पे लगा है। निकाल रहे हैं चाबी को। अरे यहाँ पर बाबा को हटा दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। ये उनका वो छोटा मोटा पुतला उतला बचा है, वो उसको कहाँ ले गए हैं पता नहीं। आप मंदिर ने शिफ्ट कर दिए होंगे शायद इस मंदिर में। देखो राम भगवान मंदिर है, ये है, दिखाते हैं। जूता चप्पल यहाँ अलाउ है, अलाउ है। यहाँ मंदिर अंदर देख सकते हो, ये शिव मंदिर है। और हम लोग अभी क्या है, जूता उता पहने हैं तो अंदर कहाँ जाएंगे। यही से सामने मंदिर है शिव भगवान जी का, देख जाते हैं। यहाँ पुजारी का मंदिर है, वो घर है, घर यहाँ पहले बाड़ी था, अब लोग कुछ बना दिए। देखो दिखाते हैं आप लोग को, चप्पल जूता निकालते हैं, हम निकाल ही लेते हैं भाई, दोनों भाई निकालते हैं भाई, चल हम चप्पल लेते हैं भैया। अब दिखाते हैं आप लोग को मंदिर, ये है। ये है मंदिर, देखो लेकिन मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। हमें मंदिर में अभी भीड़ नहीं, बहुत मंदिर समय समय भीड़ है भाई। और वही जो इधर था पीपल के पेड़ ना है दोस्तों, ये है पीपल का पेड़। और देखो यहाँ पर है, काफ़ी बड़ा होता है पीपल का पेड़ जो है। और ये ओरिजिनल मंदिर नहीं है दोस्तों, वो आगे में है सोमनाथ का जो मंदिर है, ये इस साइड में है, एक उसके बाजू से ही एक रास्ता जाता है वहाँ पे है। और यहाँ भी चारों तरफ से मंदिर ही है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर, ये मंदिर, ये मंदिर, मतलब पूरा मंदिर ही वाला है ये। और चलिए फिर चलते हैं अब आगे, और बहुत सारा कुछ कुछ दिखाने का है। लगातार ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए ट्रेवल्स लाइव आशीष ब्लॉग। दोस्तों ये है मंदिर, सामने में जो सीढ़ियाँ दिख रही है, और जस्ट मंदिर के सामने में
गार्डन है बड़ा सा, और कुछ बच्चे लोग यहाँ पे खेल भी रहे हैं। यहाँ पर जो है बंदर उंदर भी है भी। और यहाँ पर नारियल वरियल भी बिक रहा है सामने में, ठेला लगा है अंकल का। और यही कुछ सीन है, अभी देख लीजिए मंदिर है। मंदिर में ऊपर में लिखा हुआ है कि फोटो खींचना मना है, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग फोटो लेने की, क्योंकि यही तो एक यूट्यूबर का मकसद होता है कि अंदर से अंदर तक पहुंच जाओ, और कोशिश करते हैं। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ वीडियो लेना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूट्यूब है यार, यह तो एक यूट्यूबर का कमाल है कि कहीं भी ले लेते हैं फोटो वीडियो वगैरह। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, जूता उतारे और जूता उतार लेते हैं पहले। यहाँ पे जूता उतारना जरूरी है क्या भाई? बिल्कुल, मंदिर है तो क्यों नहीं यार। हिंदू परंपरा चप्पल उतार के मंदिर के अंदर जाना, लेकिन थोड़ा आगे उतारना। चल भाई, ये मंदिर है छोटा सा, और ये सबसे, और ये सोमनाथ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो सबसे पहले ये नंदी बैल का यहाँ पे सामने में बैठा होना, ये भूति वाला। और यहाँ पे भभूति जल रहा है, मंदिर ये मंदिर है, देखा इसे पूरा देखा। और ये दोस्तों मंदिर प्रांगण है पूरा चारों तरफ से, और ये तीनों भाई है। चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद अंदर दिखाता हूँ मैं। बोले महादेव की जय। ये दोस्तों सोमनाथ मंदिर, शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ये है सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग, इसी के नाम से पड़ा है सोमनाथ मंदिर। और इसकी जो इमारत है, दीवार है, काफी पुरानी लगती है, कुछ कुछ इसमें लगा भी है, इसमें कुछ अलग ही कुछ कुछ फोटोस वगैरह इसमें लगा हुआ है। ये 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास कुछ है फोटो वगैरह। जय भगवान, जय भगवान। ये है सोमनाथ जी का वो शिवलिंग, काफी ज्यादा प्रसिद्ध प्रतिष्ठित। और ये है मंदिर का पीछे, और मंदिर के पीछे है ये। और जब दोस्तों ये नदी जब चलती है तो नदी ये मंदिर पूरा डूब जाता है, बाढ़ आ जाता है उस समय, तो मंदिर पूरा तरह से डूब जाता है उस समय। अरे ते का बजा सकते तो भाई बंदा दौड़ा। ये सोमनाथ मंदिर है, डंक मारे साल 14 इंजेक्शन लगी। हां जंगल के बीच में है, यहां पैदल यात्रा आते हैं दूर दूर से, रायपुर से, इधर राजिंद से, इधर सोमनाथ मेला 15 दिन के मेला। और ये है दोस्तों हनुमान गदा, अभी नारियल फोड़ने का काम आ रहा है इसमें, ऐसे कर कैसे नारियल फूट गया फिर फोड़ना भाई। चल रहा है ना भाई कैमरा? हाँ। बत्ती जलत कि नहीं चलत? और दोस्तों ये है हनुमान गदा, इससे जो है नारियल को यहाँ नीचे रखा जाता है और ये फूट जाता है। ये चढ़ा हुआ है फोड़ना, ये एक ही बार में फोड़ फूट गया। नारियल पीछे निकलता सामने, ये वाला नारियल जो है सड़ा निकला, मतलब चढ़ गया है।
और ये भी चढ़ गया है। बस 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 ये बोरी भरा है भैया थोड़ा। और ये पूरा जो है नारियल भरा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सोमनाथ जी के मंदिर के पुजारी जी के पास बैठे हैं। पुजारी जी किसी काम से भी नहीं आए हैं और उसके जो चेला जी है चेला वो यहाँ पे बैठे हुए, जो पुजारी जी का चेला बोलते हैं वो बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इससे जानते हैं बोले जाते हैं भक्त, ये फर्क पड़ता है चेला मतलब वही होता है। थोड़ा सा जानते हैं सोमनाथ के बारे में क्या है। पहली बार आ रहे हैं, एक बार जान। 1900 साल पुराना मंदिर है, 1900 साल स्वयंभू है भगवान है, स्वयंभू शंकर भगवान जी हैं। यहाँ अच्छे अच्छे मनोकामना पूर्ण करती हैं, भगवान की जो है अच्छे से सेवा करते हैं, ये कहना चाहता हूँ। और मेला लगते सोमनाथ में कितने साल पुराना है लगभग? ये 1500-1600 साल पुराना है। 1500-1600 साल पुराना ये मंदिर है। अभी भी अग्रवाल परिवार द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा, मंदिर जो है अग्रवाल परिवार द्वारा स्थापित किया गया है। मंदिर का ढांचा है सामान्य बाढ़ और जो चिल्हरते हैं हमला, ये दान दक्षिणा चल रहा है अभी। और थोड़ा सा बात किए पुजारी जी के भक्त, जैसे कि बोले जाए चेला भी जो भी शब्द बोला जाए, तो ज़्यादा बात तो नहीं हुआ लेकिन हल्का हल्का बात हुआ। उसका भी जो है तबीयत ख़राब है पूछने पे, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाया। और दोस्तों काफ़ी बढ़िया है मंदिर जो है, चारों तरफ घूमने लायक भी अच्छी जगह है और पूजा पाठ के लिए भी अच्छी जगह है। देखो मंदिर के प्रांगण में सामने में पूरा खुला, और यह दोस्तों मंदिर का जो सामने का प्रांगण है यहाँ पे, और यहाँ पर भी गार्डन जैसे बना हुआ है। और नीचे में जैसे उतरेंगे सीढ़ियाँ नीचे में, तो बच्चे लोग के लिए पूरा गार्डन वार्डन जैसे झूला वूला लगा हुआ है। यहाँ साइड से देखेंगे तो साइड से यहाँ पे पार्किंग वार्किंग भी बनी हुई है, जो शुरुआत में मैं दिखाया हूँ पार्किंग है पूरा इस साइड। और जंगल नदियाँ पेड़ ये सबसे घिरा हुआ है सोमनाथ का जो मंदिर है। और पहले तो शिवलिंग ही था खाली, उसके बाद ये मंदिर बनाया गया है ना। तो ये जो पहले वाला जो मंदिर है वो लगभग 1900 साल पुराना मंदिर है। मंदिर ये पुजारी जी के जो चेला है उसने भी बताया है ये सारी चीज़ें जो है। चलिए फिर जूता पहनते हैं और निकलते हैं भैया अभी यहाँ से। यहाँ पर सीढ़ियाँ है और यह है दोस्तों नदी का रास्ता, जो दो नदियों का संगम है। एक नदी पता नहीं है, पूछ के बताना पड़ेगा एकदम क्लियर। एक खारून नदी है और एक और कौन सा नदी है, तो दोनों क्लियर करके बताता हूँ मैं। यह है नदी का रास्ता। दोस्तों नदी जो है आगे में है, लेकिन यहाँ पर भी आपको देख के लग रहा होगा ऊपर ऊपर खाबड़ देखो, यहाँ पर समतल है फिर चढ़ाव है फिर यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वाड़ियाँ है। और इस साइड जो है मंदिर है उस साइड। दोस्तों ये मंदिर जितना है पूरा, जब नदी चलता है फूल अपने रूप में जब आता है तो यहाँ पर पूरा डूब जाता है, नदी भी मंदिर भी डूब जाती है। और यह है नदी का रास्ता, तो चलिए फिर देखते हैं एक बार। पार्टी वार्टी चल रहा है, अबे वो सामने में कर। ये है दोस्तों सोमनाथ धाम का दो नदियों का संगम स्थल। ये देखिए
एक रास्ता इस साइड से आ रहा है और एक रास्ता जो है उस साइड से आ रहा है। यहाँ पर नौका विहार भी हो रहा है, सामने में दिख रहा होगा ना। और यह है दोस्तों दो नदियों का संगम है, दो नदियों का, एक सोमनाथ, ये खारून नदी और एक शिवनाथ नदी, दो नदियों का संगम यहाँ सोमनाथ धाम पे देखने को मिलेगा। और बोलते हैं कि दोनों जो नदियाँ हैं उसका जो रंग है, उसका जो पानी है, वो शिवनाथ नदी का पानी और खारून नदी का पानी दोनों जो है एक में नहीं मिलती, अलग अलग पहचान आती है दूर से ही, जब चलती है अपने रूप में तब। और यहाँ पर कुछ ये नाव रखा है, चलते हैं एक बार देखते हैं चल के। अरे यार 15 कहाँ से बैठा रहे, 15 तो हो मना। हर्रा ने फिट करी यार, तब बोलनी पड़ा कि था। सुन ना सुभिया, लोग ना तोरो घर के का 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 जा ओरे सुन जा पे दे उधर गाड़ी माजे की। और भाई लोग, हम लोग अभी बैठ गए हैं यहाँ पे डोंगे में, है ना। और ये देख के चल रहा है, दोनों हाथ धरी, दोनों हाथ पूरी आराम से लेके जा। अबे नीचे हम बूढ़ो मध्य पे नहा नहीं है, कैमरा करके 40,500 ऐसे खराब हो जाती। ये भाई बोल रहा है बड़ा वाला है, ये भी आया है ना। और हम लोग अभी नदी में चल रहे हैं। मोबाइल तो रे सिखा देंगे यार बोला, और तोर तोर का नहीं है इंश्योरेंस दिए भैया, आवा मन के देख ले कार के इंश्योरेंस है, कार खड़े बाइक के भी। और ये दोस्तों मंदिर के बीच में, ये देख भाई टाइटैनिक बन जाए। बात गिर हम बोला, बजरंग बली की जय, गंगा मैया की जय। देख देख देखो ना, ऐसे मत हुआ करे जान, अलग अलग हो जाओ। ये दोस्तों मंदिर के बीच में एक नदी के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर भाई है? ये शंकर जी का, हाँ शंकर जी का मंदिर है, बजरंगबली का। ये देखो मंदिर के बीच में है, नहीं आते अभी घुमा मत ना खिलाने की। ये मंदिर के बीच, नदी के बीच में है ये मंदिर छोटा सा। सब ढन जुब ढो ना, बहुत जाए भैया को पता भी चले, तो सोच लो भैया 50 के लिए होंगे। अबे त्यां ऐसी पैर है, ऐसी जुत के ऐसी तो भाई सीधा है, लेवल बनाते हैं, चल लेवल में बैठा हूँ भाई। अबे एकदम बढ़ू तुम मेरे एक मिले तो वो में लगा रहे हूँ। अरे अभी कई लोग बैठे हुए हैं अभी नाव में, और ये कौन सा नदी है भाई? ये वाला ये शिवनाथ नदी है, और ये खारून नदी, और शिवनाथ खारून, ये खारून नदी है। दोनों का रास्ता अलग अलग से दिखाई देता है, संगम महादुर्गा साय नहीं वाला है। ये शिवनाथ हो गया और ये खारून हो गया, दोनों का रास्ता अलग अलग दिखाई देता है। ये रायपुर है, खारून है, दोस्तों अभी नाव एकदम फुल हो गई है। और ये देखो पूरा फुल चल रहा है नाव। और बना वीडियो पूरा भर गई है, मैंने ये जा घुमा के ले आए यार, ये अच्छा बात नहीं है। तुम्हारी जल्दी का लेकिन डेम है, डेम है, डेम घूमे ना देखा से थी। और दोस्तों हम लोग जो है भी नदी से बाहर निकल चुके हैं, काफ़ी मज़ेदार रहा नाव का सफ़र। और वहाँ नदी के बीच में ये छोटा सा एक मंदिर भी दिखा, जिसमें शंकर जी और बजरंगबली दोनों हैं उसमें। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ कुछ काफ़ी काम किया गोल सेटिंग।
दोस्तों अभी हम लोग ये नदी से नाव सवार करके आ गए। भैया ये बड़े भैया हैं और इसके एक छोटा सा स्पीच है, आप लोग देखिए। ये एक इसके हाथ में एक ये खिला है, इसको कील बोलते हैं। बताइए भैया इसका क्या यूज़ है। इसी महापुरुष ने बताया है कि जिस नाव में आप नाविक के साथ बैठे हो उस नाव से उसी नाव का खील लेके आना है। वो नाव का खील को आप अंगूठी बना के पहनो या चूड़ा बना के पहनो, वो फलदायी रहता है स्वयं के लिए, क्योंकि आप ना ऊपर में थे ना जमीन में ही थे, आप पानी में ही थे, तो उनका अलग महत्व है। तो कई लोग जो रहते हैं अलग अलग स्पीच रहता है। अब चलिए इसका भी ये भैया की बात का भी थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों अभी समय हो चुका है 6 से 7 बज गए अभी, और जो शुरुआत में मैंने दिखाया था बगदई मंदिर, जो सोमनाथ से तिल्ला से सोमनाथ के बीच में पड़ता है एक मंदिर है बगदई, जो शुरुआत में दिखाया था, अभी वापसी में वहाँ पे एक बार उतर गए हैं। मैं दिखाता हूँ मंदिर थोड़ा सा, वो भी आप ये भी देख लेंगे। यहाँ से शुरुआत होता है मंदिर का, और ये मंदिर दोस्तों ये तिल्ला से सोमनाथ के रास्ता में पड़ता है। सीन है अभी, अरे ऊपर में लिखा हुआ है जय मां बगदई मंदिर। जय भगवान। अभी और दोस्तों अभी काफ़ी समय हो चुका है, रात हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यार यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी अगली ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।